गुड मॉर्निंग, हाय। सो मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत फेमस और डेफिनेटली इंडिया का टॉप 20 इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट कॉलेज एंड हॉस्पिटल। टॉप 20 में पक्का आ जाएगा। नॉर्थ इंडिया के टॉप 10 में आता है, इंडिया के भी टॉप 20 टॉप 25 में है ही है। और अगर आप कॉस्ट के हिसाब से देख लो तो शायद टॉप 5 में। जी हाँ, टॉप 5 में, क्योंकि दोनों कस्तूरबा के कैंपस या तीनों, ये और शायद JLN बेला का भी, क्योंकि इसमें जो फीस है वो भी सिर्फ और सिर्फ 80 लाख का पैकेज पड़ता है। जी हाँ, और मैं खड़ा हूँ बाहर हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के। शानदार कॉलेज है, देखिए मुस्लिम माइनॉरिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और डीम्ड तो मैं कई बार आपको समझा चुका, कई सारी डीम्ड होती हैं, लेकिन डीम्ड के अंदर भी ये शोर बहुत मच रहा है। डीम्ड के अंदर भी ये MCC जो काउंसलिंग करता है, जो 51 यूनिवर्सिटीज़ फिलहाल हैं, 2024 में कोई नहीं आ जाए तो फिलहाल पता नहीं है। तो मोटा मोटी बातें, जैसा मैंने कहा दिल्ली के बीचों बीच है, हम साउथ दिल्ली में हैं, पर साउथ दिल्ली बहुत बड़ी है। और डेफिनेटली ये जहाँ बनी हुई है बहुत बड़ा एरिया है, जिसको हम जामिया हमदर्द एरिया ही बोलते हैं। कॉलेज नहीं है, पूरा एक शहर है, जैसे एम्स दिल्ली शहर है, मौलाना आज़ाद शहर है, कस्तूरबा कैंपस शहर है, JLN बेलागावी से बड़ा है, अमिता फैदाबाद से भी बड़ा है। और कोई शक की बात नहीं, अगर मुस्लिम माइनॉरिटी वर्ड को कंसिडर ना किया जाए तो बहुत ही शानदार चीज़ है। अंदर होम्योपैथी कॉलेज भी है, नर्सिंग कॉलेज भी, अस्पताल है। दोपहर के समय 1:30 बजा हुआ है, आप गेट देख सकते हैं अस्पताल का। और यही मैं आपको एक ना बेंचमार्क देता हूँ कि जिस अस्पताल का गेट इतना खुला हुआ है ना, उससे आपको पता चलता है कि अस्पताल की OPD, अस्पताल का मूवमेंट, अस्पताल की भीड़ कितनी है। ये आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, आप ऑटो देख रहे हैं, ये सारे ऑटो अस्पताल के हैं। दोनों तरफ आप देखिए, ये मेन रोड चलती रोड है, दिल्ली की रोड है, सामने बदरपुर मेहरौली रोड है, जाम खड़े हैं। और ये जितनी आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये जो ग्रामीण सेवा दिल्ली की है, 10 रुपये सवारी, 15 रुपये सवारी, ये सब अंदर से निकल रहे हैं। और डेफिनेटली चैरिटेबल हॉस्पिटल है, बट विद ऑल दी फैसिलिटीज़। फैकल्टी लो, स्टूडेंट लो, अंदर के माहौल में बिल्कुल भी आपको नहीं पता चलेगा कि मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। और देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, जब मैं ईरा गया था ना, एक लड़की ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली, कहती सर, वो मुस्लिम लड़की थी, कहती सर आपको कुछ लड़कियाँ बुरके में दिख रही हैं ना, वो पर्सनल चॉइस है, ईरा की मैनेजमेंट की तरफ से या हमदर्द की मैनेजमेंट की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि हर मुस्लिम लड़की को बुरका पहनना पड़ेगा। ओके, तो ये एक चीज़ को समझिए आप कि हमारी तरफ से कोई प्रेशर, कोई वो नहीं है कि भाई ज़बरदस्ती हमको बुरका पहनना पड़ेगा। कट ऑफ 550 प्लस जाती है, क्योंकि शानदार कॉलेज है, 550 प्लस कट ऑफ है। 15% NRI सीटें होती हैं, जो बाकी सीटें हैं उसमें आधी सीटें मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड हैं। लेकिन चाहे मुस्लिम माइनॉरिटी हो, चाहे नॉन हो, कट ऑफ 560-570, क्योंकि दिल्ली के अंदर इतना शानदार कॉलेज, वो भी इतने कम बजट में, मतलब प्राइवेट के हिसाब से, और कहाँ मिलेगा। सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर भी मुझे एक चीज़ नेगेटिव बोलनी है कि मेडिकल कॉलेज 2012 में स्टार्ट हुआ था, तो एलुमनाई अभी उतने लंबे चौड़े नहीं होंगे। बाकी तो सब कुछ है इस कॉलेज में, सब कुछ मतलब सब कुछ, और डेफिनेटली टॉप कॉलेज है। मैं अभी अंदर गाड़ी का चक्कर काट कर, पर फिर मैंने वो बोला कि आज का मैंने अंदर वीडियो बनाने बंद कर दिए, क्योंकि 2-3 बार मैं पकड़ा गया और इतना समय मेरे पास जूता कि मैं परमिशन लेके शूट करूँ। तो मेरे साथ जो जिसे कैमरा पकड़ा, मैंने उनको भी दिखाया, मैंने कहा ना पूरा शहर है, अंदर कंक्रीट की सड़कें हैं और दुनिया बस्ती है जिसको हम बोलते हैं। और अस्पताल तो सामने आपको दिख रहा है, और अस्पताल के भी बहुत सारे प्रॉपर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, डेंटल डिपार्टमेंट अलग है, डेंटल कॉलेज नहीं चलता अभी यहाँ पर, लेकिन डेंटल की OPD है और MBBS PG तो दोनों है ही, दोनों में शानदार है, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, शायद इस वीडियो में ये भी कह दूँ, मैं एक जनरिक वीडियो बनाऊँगा, इस कॉलेज में इनडायरेक्टली साइड डोर से कोई एडमिशन नहीं होता, तो कोई काउंसलर, कोई एजेंट आपको बोलते हैं मैं हमदर्द में करा दूँगा, कुछ नहीं होता। हमदर्द के ओनर हिंदुस्तान के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान हैं, यहाँ रहते भी नहीं हैं, गल्फ़ में रहते हैं, आधा पूरा जामिया हमदर्द के मालिक हैं, लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति, शायद खरबपति इंसान हैं। उनको हमारे 5-10-15 लाख के ऊपर की इनकम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसी लॉजिक से आप समझ लीजिए कि जामिया हमदर्द में जो NRI सीट है, उसके लिए भी प्रॉपर NRI के ब्लड रिलेशन वाले पेपर चाहिए। और चौथे राउंड में भी, जब ऑफलाइन भी था 2022 तक, क्योंकि मैं आया था एक क्लाइंट के साथ ज़बरदस्ती, मैं क्लाइंट को बहुत समझाता था पर वो माने नहीं। फिर चौथा राउंड ऑफलाइन का था 2022 में, उनके साथ अंदर बैठा था, क्योंकि 2023 से तो चौथा राउंड भी ऑनलाइन हो गया ना, जो मैं अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा कि अब MCC काउंसलिंग कैसे हो रही है 2023 में।
ताकि फिलहाल आप पागल ना बने उन फ्रॉड एजेंटों के भरोसे। लेकिन 2022 की बात बता रहा हूँ, जब फोर्थ राउंड ऑफलाइन था और NRI की 5-6 सीटें बची हुई थी, क्योंकि 2022 में ही वो तो रूल आ चुका था ना कि थर्ड राउंड में ही NRI सीटें कन्वर्ट हो गई नॉर्मल सीट में। 2021 तक वो भी फायदा था कि भाई NRI की सारी सीटें चौथे राउंड में बची होती थी, 23 सीटें 150 में से, तो राउंड 2021 में रूल लगा कि कन्वर्ट हो जाएंगी और 2022 में, लेकिन 2022 में फिर भी चौथा राउंड ऑफलाइन था तो फिर भी 23 नहीं तो 6-7 सीटें थी मुझे याद है। और मेरे साथ क्लाइंट को यह था कि सर आप साथ रहना ज़रा हौसले के लिए, और मैं रास्ते पर समझाता रहा, फिर भी जो मेरी आदत है क्लाइंट्स के साथ हम लास्ट तक खड़े रहते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, उनके साथ उठ के आया था, हम 3 घंटे बैठे थे और बिल्कुल ऑडिटोरियम में सबके सामने प्रोजेक्टर स्क्रीन पर लगा के वो 7 सीटें प्योर मेरिट से दी गई थी। तो इस कॉलेज और 2023 में तो भाई आखिरी राउंड भी ऑनलाइन हो गया, 5वां राउंड भी ऑनलाइन हो गया, जो मैं वीडियो में समझाऊंगा। तो इस कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ मेरिट से एडमिशन मिलता है। जो भी आपको बोल रहा है साइड डोर से करा दूंगा, यहाँ से करा दूंगा, वहाँ से करा दूंगा, कोई चांस नहीं है, मिलना मेरिट से है, काउंसलिंग से। हाँ, काउंसलिंग में कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी बनवा दें, मैं खोल के बोल लूँ, सीट ब्लॉकिंग आप करवा पाओ जो आपको मालूम हो, क्योंकि आपको पता भी तो चलना चाहिए ना कौन से 3 बच्चे हैं। और देखिए, सीट ब्लॉकिंग तो आपको आखिर तक करानी पड़ेगी ना। राउंड अगर मैं 2023 का एग्जांपल दूँ तो राउंड 3 में भी हमने सीट ब्लॉकिंग करानी पड़ी, तो चौथे राउंड में आई, और चौथे राउंड में भी अगर आपसे ऊपर के बच्चे आ गए तो फिर आपको नहीं मिलेगी। तो सीट ब्लॉकिंग का फ़ायदा भी तब है जब आखिरी राउंड में आपके ऊपर कोई बच्चा आ ही नहीं, राइट। और इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। शानदार कॉलेज, खासकर जो दिल्ली से दूर रहते हैं उनको मैं बता दूँ, बेधड़क इसको कॉलेज एडमिशन लीजिए। देखिए, यहाँ पढ़ के आपको दिल्ली पीजी कोटा नहीं मिलेगा, वो ध्यान रखिएगा। दिल्ली का जो पीजी कोटा है ना, वो यूनिवर्सिटी बेस है। तो जब आप लेडी हार्डिंग, मौलाना आज़ाद, UCMS में पढ़ते हैं तो आपको DU कोटा मिलता है। जब आप बाकी 6 कॉलेज में पढ़ते हैं जो IP की डिग्री देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, वर्धमान महावीर, अम्बेडकर, NDMC, आर्य मेडिकल कॉलेज, 5, तो आपको IP कोटा मिलता है। एम्स दिल्ली में एम्स का कोटा मिलता है और हमदर्द में कोई कोटा नहीं मिलता, क्योंकि ये प्रॉपर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और दिल्ली में है। तो कर्नाटका के ड्यू में फिर भी फायदा होता है, कर्नाटका का स्टेट कोटा लग जाता है, यहाँ वो भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर PG कोटा में कोई नहीं लगेगा, बट देखिए जो यहाँ पर आ रहा है वैसे ही 550 नंबर वाला आ रहा है। आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो उम्मीद पूरी है कि PG में आप सरकारी सीट निकाल दोगे, और PG में वैसे ही 50% ऑल इंडिया कोटा की सरकारी सीट होती है। इसी तरह की सटीक काउंसलिंग को सटीक जानकारी चाहिए, आप जानते ही हैं, 9643362320 हमारा नंबर है, यही नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, हमारी काउंसलिंग पैकेज की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है। हमसे बात करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए फ़ोन काउंसलिंग या फेस टू फेस काउंसलिंग इज चार्जेबल, 250 रुपये फ़ोन काउंसलिंग का, 5000 रुपये मिलने का, और फिर हम आपको समझाते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और फिर फुल पैकेज भी आपको डिस्कस किया जाता है, जिसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, फ्रॉस्टर से बचिए, ऑप्टिमल सीट लीजिए, महंगी सीट भी मत लीजिए, घटिया कॉलेज मत लीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हाय, सो मुझे लगा फिर भी आपको लोकेशन और बाहर से दिखा दूँ, तो सामने भी आपको नज़र आ रहा बत्रा हॉस्पिटल। ये एक दिल्ली का बहुत पुराना प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत पुराना मतलब जब मैं पैदा हुआ था उस ज़माने का, और बहुत हाईली रिपोर्टेड। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं बदरपुर बहरोली रोड, और ये रोड सीधा फरीदाबाद जाती है, मेट्रो का समय काम चल रहा है। जैसा मैंने कहा, प्योर दिल्ली में भी आप हैं, हमारे ठीक पीछे मैं कहूँगा तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो नेहरू प्लेस टाइप का एरिया आता है, और तो समझ गए कि मतलब नेहरू प्लेस यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, तो यू कैन हैव आइडिया। अब आपको बाहर से मैं मंजर दिखाना चाहूँगा कि क्या चीज़ है, क्या वो है, ताकि क्वालिटी में और हाउ डू यू डिफाइन चलता हुआ कॉलेज यानी चलता हुआ हॉस्पिटल, और क्यों आपको अच्छे कॉलेज में ही जाना चाहिए जब आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। तो 80-90 लाख रुपये आप खर्च कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ से देखिए गेट चालू हो गया, लेफ्ट में देखिए गेट नंबर 2 है, तो आपको शहर का आइडिया लग गया ना, वो अंदर तक कहाँ तक जा रही है सड़क। तो जैसे मैंने कहा, अंदर सड़कें बनी हुई हैं, प्रॉपर कंक्रीट की रोड्स, ये सारी बिल्डिंग्स चल रही हैं। ऑफ कोर्स अंदर मेडिकल कॉलेज के अलावा, जैसे मैंने कहा, नर्सिंग कॉलेज भी है, होम्योपैथी कॉलेज भी है, और ये सारी भीड़ देखिए अस्पताल की नहीं है, भीड़ इसलिए क्योंकि दिल्ली का ये बड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, संगम विहार इसको बोलते हैं, जो उसके अगल बगल का एरिया है। और लेफ्ट साइड पे आप जो देख रहे हैं वो सबका सब वो हमदर्द का कैंपस चल रहा है, हॉस्टल्स, बिल्डिंग्स, चीज़ें, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, तो बकायदा फुट ओवर ब्रिज बना रखा है, और उसकी भी आप भीड़ देख लीजिए, क्योंकि वैसे सड़क क्रॉस करने का रास्ता नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ मैं, सब लेफ्ट में वो कैंपस चल रहा है। तो अभी मेन गेट आएगा, जिस गेट से आपको कॉलेज की एंट्री होती है, जो बच्चे स्टूडेंट्स आते हैं ना
वो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं और फिर से देख गार्ड खड़े रहते हैं क्योंकि ये कॉलेज की एंट्री, इसलिए गेट बंद है। ठीक है ना, मैं बिल्कुल गाड़ी धीरे कर ली तो आपको आइडिया लग जाए। गार्ड्स खड़े हैं और फिर से आपने अंदर देखा ना कहाँ तक जा रहा है, गहराई देखिए आप रोड की, मतलब इसके अंदर कम से कम पौने एक किलोमीटर तो सीधी सीधी सड़क जा रही है और लेफ्ट लेफ्ट और राइट पे बिल्डिंग्स और वो बना हुआ है। और अब हम चलेंगे जो सामने अगर हम जाते हो तो जैसा मैंने कहा कि आप फरीदाबाद की तरफ चले जाते हो, हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो फिर से हम उसी स्पॉट को क्रॉस करेंगे जहाँ से मैंने वो खड़े होके आपको दिखा रहा था मैं। और अभी भी लेफ्ट पे देखिए वही वही बिल्डिंग चल रही है धीरे धीरे सब। ये जो पूरी आपको वॉल नज़र आ रही है ये वही कैंपस है। और जैसा कि हमने कई बार कहा कि चलते हुए अस्पताल की पहचान क्या है, कि अस्पताल का गेट कभी बंद नहीं होता क्योंकि इतनी एम्बुलेंस आ और जा रही है, इतना पेशेंट आ और जा रहा है कि बार बार गार्ड गेट खोलेगा बंद करेगा तो थक जाएगा ना, इट विल बी इनएफिशिएंट प्रोसेस, जाम लग जाएगा। सो एक डिपटिक्स वो होता है कि जिस भी मेडिकल कॉलेज के बाहर, अस्पताल के बाहर गेट बंद है अगर, तो समझ जाओ यहाँ पेशेंट फ्लो क्या होगा। तो ये देखिए जो मैं दिखाना चाहता हूँ, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी आ गया, हम पास से देख पा रहे हैं, आपको कॉलेज के अंदर कुछ कुछ माहौल नज़र आ रहा होगा कॉलेज अस्पताल का। फिर से हम वहाँ पर आ गए और अब आप देख रहे हैं भीड़ देखिए, आप ये सारे ऑटो देखिए, ये सब खड़े हैं पेशेंट्स को ले जाने के लिए, राइट। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस वेरी गुड इंस्टीट्यूट। और राइट हैंड साइड पर दिल्ली का थोड़ा सा पहाड़ी एरिया भी शुरू हो जाता है, अभी भी कैंपस चल रहा है लेफ्ट में, अब जाके कैंपस की बिल्डिंग बंद हो जाएगी, अंदर बैंक की ब्रांचेज चल रही हैं बिकॉज पूरा शहर ही बसता है। हम अभी और सामने जा रहे हैं तो वी विल स्टार्ट हिटिंग द मेन दिल्ली। और लेफ्ट में मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, अभी भी कैंपस चल रहा है। ठीक है, एक और गेट आ गया, गेट नंबर 5, ऑडिटोरियम वगैरह बना हुआ है। तो अब ये होता है एक मेडिकल कॉलेज, राइट। जो मैं कहता हूँ जब मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देखता हूँ खस्ता हालत वाले, और स्पेशली मैं अपील करूँगा शायद मैं ऐसी वीडियो में अपने हरियाणा यूपी के कोई भी जो मैं मिलता हूँ बच्चों से ना कि सर मुझे सोनीपत गया था मैं, मेरी सेशन हो रहा, पेरेंट्स कहते हैं जी बच्चा पास ही रहे। अब उस पास में रहने के लिए हम जानते हैं कि हरियाणा में कॉलेजों की क्या हालत है, और ये फेमस जो हम कहते हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी नीचे, जिसकी वजह से आपको जो आपको डिग्री दी जाती है ना, क्योंकि डीम यूनिवर्सिटी मैंने बोला तो जामिया प्रॉपर जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी भी चलती है, और इस वजह से एक अलग। और एक गेट नंबर 6 आ गया लेफ्ट में, गेट नंबर 6 भी आपने देखा। फिर से आप देखिए कि अंदर कोशिश कीजिए पीछे देखने की कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि ये सारा गेट नंबर 6 है, ये भी स्टूडेंट्स का गेट है, खुला हुआ है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ ई रिक्शाज खड़ी हैं जो बच्चों को लेकर जाती हैं, और अभी भी वो कैंपस चल रहा है, राइट। तो यही है फेमस वो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी भी, जहाँ दूसरे कोर्सेज भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन काफ़ी दूर है ये मेडिकल कॉलेज से क्योंकि बहुत बड़ी कैंपस है। ठीक है, तो और ये दिल्ली आप देख ही रहे हैं। तो हाँ, जो मैं अपील कह रहा था कि नहीं ऐसा मत सोचिए कि घर के पास ही पढ़ाना है, तो मुझे इतनी हैरानी होती है, एज यू नो वी आई बिलोंग टू हरियाणा, कि सारे सर बट ठीक है सरकारी नहीं मिला तो फिर अपना आदेश ही ठीक है, आदेश नहीं मिला तो चलो जी SGDT ठीक है, नहीं तो जी फिर NC, बच्चा पास ही रहे। और आप 80-90 लाख रुपए खर्च भी कर रहे हो बच्चे के, आपके 300-350 मार्क्स से आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है जहाँ जेन्युइन पढ़ाई होगी। और खासकर देखिए अब नेक्स्ट का ज़माना आ रहा है, पता चले नेक्स्ट ही पास नहीं हुआ तो फिर बच्चे को पास में रख के आपने कागजी डिग्री देने का क्या फ़ायदा हुआ, राइट। तो वो सब देखते हुए अच्छे कॉलेज में भेजिए जब आप पैसा खर्च ही कर रहे हैं। ये कोई BA पास तो है नहीं ना कि पास की पास में करा के निपटा दिया। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। 9643।